लेखी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। मित्रों, आज दिल्ली की एक कोर्ट ने, जज नागपाल जी की सीबीआई स्पेशल कोर्ट है, उसने मनीष सिसोदिया जी की जमानत जो है, सॉरी हाईकोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है, और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। और मुझे बार बार एक कहावत याद आ रही है, वह कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। यानी जिन लोगों का कर्तव्य है इन संस्थाओं को बचाए रखना, जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं और अपनी जिम्मेवारी से हटकर प्रदेश को नियम कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का काम करने लगे, तो कौन उस जगह को, उस क्षेत्र को बचाएगा जो कि दिल्ली के साथ लगातार हुआ। दिल्ली के साथ लगातार हुआ कि दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया, और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो, जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज है बाकी चीजें, वो बहुत सीरियस है, और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट यानी जो समाज, पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है, और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है, और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहां पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है, और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीजें होती हैं, खरीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं, और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है, ये आज का ऑर्डर है। साथ ही दो दिन पहले बल्कि मैं कहूंगी 27/5 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है कोर्ट में, और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर पैरा 16.13 16.13 है, द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील कि, हिंदी में पढ़ देती हूँ, कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीजें सामने आई कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 12% होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है L1 लाइसेंसी के लिए, उसकी कोई डिटेल प्रस्तुत नहीं की गई, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है उसको एक्साइज डिपार्टमेंट से मांगना था वो नहीं लिया गया, और यहां तक कि अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर बने 5 मार्च 2021 को, उनको इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया। तो ये जो अरविंद जी और जो स्टेनो हैं उन लोगों के बयानों से ये मैच करता है। सर्च कंडक्ट की गई और उस सर्च के दौरान जो कंप्यूटर सीज किए गए, हार्ड डिस्क लिए गए, उनमें से इमेज को फोरेंसिक जांच के लिए रखा गया और पाया गया कि जो नियरली फाइनल ड्राफ्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ था कि डाटा नीडेड, जिसमें कई सारे पॉइंट्स थे और उनमें रिक्वायर्ड था सिसोदिया जी ये सब जानकारी प्राप्त करें, और उनका नाम भी मेंशन था, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट में एक प्रोविजन था कि 5% जो है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन फी जो है होलसेलर L1 लाइसेंस के लिए, और जिसके ऊपर कोई कैप नहीं होगी, इंडिविजुअली फिक्स करने की बात हुई, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं को चूज किया गया, और जो 100 करोड़ का जो काम था उसको 500 करोड़ के लिए उसको बढ़ाया गया। इसी प्रकार से बजट को लेकर जो स्टोरेज डिवाइस है उसने भी जांच पड़ताल की, और रिवाइज्ड ड्राफ्ट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का है उसको पेश किया गया, और सी अरविंद और सुनील सिंगल जो टाइपिस्ट हैं उनके कहे, जो उनका बयान है उसके अनुसार पाया गया कि ये 10:28 पर ये काम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में
कहा कि ये 10:30 के आसपास की बात है, तो 10:28 पर ये हुआ जो फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया। और सी अरविंद ने अपने बयान में कहा, 164 का जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें इस बात को रिवील किया कि 5% से 12% तक जो है उसको बढ़ा दिया गया, और जो ईडीपी प्लस इम्पोर्ट फी थी, और साथ में जो L1 लाइसेंसेस जिनका टर्नओवर जो है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह 100 करोड़ से 500 करोड़ हर साल का कर दिया गया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ये कंडीशंस को बदला गया। इसी तरीके से और नाम आए, 20/5/2021 को और 21/5/2021 को एक्यूज जो है साउथ ग्रुप वाले अभिषेक बोनीपल्ली, अरुण आर पिल्लई, बुच्ची बाबू गोरंतला अलोंग विद शरद कुमार शरद रेड्डी, इन्होंने ये दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से आए, एक मीटिंग गौरी अपार्टमेंट में हुई और उसमें एक्यूज विजय नायर भी मौजूद थे और साथ में अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे, जहां पर इस कॉन्स्पिरेसी को इजाद किया गया, हैच किया गया, मोडालिटीज जो है लाइसेंस बदलने की क्या होंगी और फायदा उठाने के लिए अंडू फेवर के लिए क्या क्या किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ने और चीजें जो है वो रिवील की है और उसके मुताबिक जो मनीष सिसोदिया है उसके कहने पर इंडो स्पिरिट को लाइसेंस दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कार्टलाइजेशन यानी एकत्रीकरण का एक नियम का उल्लंघन था। बावजूद उसके मनीष सिसोदिया ने धमका कर अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर थे उन्होंने अपने बयान में 164 के बयान में कहा कि स्टर्नली डायरेक्ट किया गया उनको सिसोदिया द्वारा कि L1 लाइसेंस जो है वो इंडो स्पिरिट्स को आप दें, और जो सेकेंड एप्लीकेंट थे डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म कि एक्यूज मनीष सिसोदिया की कंप्लेंट्स कार्टलाइजेशन की थी, ब्लैक लिस्टिंग की थी, मगर इसके बावजूद उस जो कंपनी है उसको लाइसेंस दिया जाए, ऐसी जो है वो सेकेंड चार्जशीट के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर इस तरीके की चीजें सामने आई है, जिन सब चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये जमानत को जो है रिजेक्ट किया गया है। और वापस मैं अपनी बात कहूंगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत क्या करेगा, यानी दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की सेवा के लिए बनी थी, दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री का काम था दिल्ली से भ्रष्टाचार को दूर करना, जो वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट पॉलिसीज को नियमित निर्धारित करने लगे तो दिल्ली की सेवा कौन करेगा, दिल्ली से भ्रष्टाचार को कौन हटाएगा। आई विल से द सेम थिंग इन इंग्लिश, देर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हेन आई लुक एट द ऑर्डर पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट वेयर मिस्टर मनीष सिसोदिया'स बेल एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट व्हाइल मेकिंग रिजेक्शन ऑर्डर द कोर्ट हैज ऑब्जर्व द एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर द एक्यूज वॉज अ public servant, we have not examined the excise policy nor the power of the government. However, the applicant being a powerful person, there is a possibility of him influencing the witnesses. Now, this is the background on which the bail application of Deputy CM Mr. Manish Sisodia has been rejected. There is a very famous proverb which says, fence eating the crop. Now, this comes to my mind because there is a skepticism from of those who are supposed to protect the law and uphold the law become the violators of the law and they start breaking the laws. Somebody who was supposed to serve the city state of Delhi becomes corrupt and is actually indulging in corruption where allegations of cartelization and blacklisting against companies exist, and this very person directs the officers to give license to those people who are involved in corrupt practices, and in lieu of bribe, all this is being done by the Deputy CM. These are the observations which have been made by the court. Some observations have been made by the court, and some observations are part of the supplementary charge sheet, which has been filed 2 days ago on 27th May in the court. And I will read out certain paragraphs so that for everybody's consumption, that what really transpired and what really happened. So, paragraph 16.13, the investigation has revealed that in the month of February 21,
8 to 10 meetings of group of ministers headed by the accused Manish Sisodia took place, in which some data was sought from the excise department, but no proper minutes or record of discussions of the said meetings were prepared. It has also been revealed that no decision regarding the provisions to be incorporated in the group of ministers was taken in the said meetings. Further, no discussion regarding wholesale model was done in the said meeting. Further, no study regarding the 12% profit margin for wholesalers, L1 licenses, definition of the related entities, etc. was made. It was also revealed that no draft of the group of ministers' report was either sought from or provided by the excise department. Even Sri Arva Gopi Krishna, who became the excise commissioner on 5th March 21, was never invited to any group of ministers' meeting, nor did he attend any such meeting. During the search conducted at the office premises of the accused Manish Sisodia, the then deputy CM, on 19th August 22, and computer hard disks and computers installed at the office were seized, and their forensic imaging was done for the purpose of investigation. From the imaged copy of the hard disk of the office Apple computer of the accused Manish Sisodia, soft copy of the draft group of minister report in Word file, my note on GOM documents has been retrieved. The said file was last modified at 11:27 hours, 15th March 21. It is revealed that this was nearly the final draft of group of minister report, in which on the first page under the head data needed, various points on which data clarifications were required by the accused Manish Sisodia have been mentioned. In the said draft group of ministers report, there was provision of mandatory 5% minimum distribution fee for wholesalers, this is L1 licensees, with no cap on distributor margin, which could be individually fixed by the manufacturers with their chosen distributor. Further, there was an eligibility criteria of minimum turnover of ₹100 crore every year for past 5 years for the wholesalers. Why this is necessary? Because these two terms, one being 5% minimum distribution fee and ₹100 crore every year turnover, these two conditions were changed in the new excise policy with the intention of engaging in corrupt practices. I'll further read out para 16.16. During the investigation on 15th January 23, the HPLE desk, etc., these were seized, and the forensic examination happened. And this revised draft group of minister report, which said corroborates the version given by Sri C. Arvind, and Sri Sunil Singhal, the typist, who have confirmed that the typing work of the draft group of minister report was completed at around 10:30 p.m. On 19th March 21. The aforesaid facts have also been confirmed by Sri C. Arvind's statement recorded under Section 164 on 16th February 23. It has been revealed in this draft group of minister report that the profit margin for wholesalers L1 licensee was abruptly increased from 5% to 12% of the EDP plus import fee. Further, the eligibility criteria of turnover for wholesalers L1 licensee was also increased from ₹100 crore to ₹500 crore every year for the past 5 years. The two conditions were altered to benefit a certain group and a certain people, and that's why this is a case of corruption. Para 16.20, it says it is also revealed that during the period of 20th May 21 and 21st May 21, the accused persons of South Group, namely Abhishek Bonipalli and Arun R. Pillai and Buchi Babu Gorantala, along with Sharath Reddy, had travelled to New Delhi in chartered plane and held a meeting at Gauri apartment near Claridge's Hotel, New Delhi on 21st May 21. With the accused Vijay Nair, along with other accused persons, Amandeep Singh Dhal and Arjun Pandey, where the criminal conspiracy was hatched regarding modalities for obtaining pecuniary advantage in return of undue favor caused in excise policy.
The investigation has further revealed that in pursuance of the said criminal conspiracy, the accused Manish Sisodia pressurized the excise officials for granting license to Mrs. Indospirit, despite pendency of complaints of cartelization against them, Sri Arva Gopi Krishna, the then excise commissioner, has stated in his statement recorded under Section 164 CRPC that the accused Manish Sisodia had sternly directed him to issue L1 wholesale license to Messrs. Indospirits on their second application, despite being informed by him to the accused Manish Sisodia that complaints of cartelization and blacklisting are pending against the partners of the said firm. You see, what you need to follow and understand is that these are the people who were supposed to uphold the law. These are the people who were supposed to protect the Delhi Treasury from any wrongdoing, from any corruption. These very people, in violation of the existing policy, in violation of the existing law, have violated the law and caused harm and damage to the exchequer. And being public servant, they are liable for all actions by CBI and ED for the charges of corruption, altering the policy to favor some people and some companies. The charges of cartelization and corruption have actually been furnished and supplemented by various statements, and thus pending action under the law by CBI and ED is awaited, and that's why the bail application has been denied. Any question? I'll welcome that. देखिए, बाहर होंगे तो हिम्मत बढ़ती है और बाहर रहकर हिम्मत बढ़ती है और जो इनके रिसोर्स आप लोगों ने और हमने पाया है सत्येंद्र जैन के मामले में कि कैसे उनको फोन की एक्सेस जो है दी हुई थी जेल के अंदर भी, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत है वो कहीं ना कहीं थमती तो है जब व्यक्ति जेल में होता है, क्योंकि फोन की एक्सेस, लोगों से मिलने की एक्सेस, जिनको डायरेक्शन देनी है उसकी एक्सेस, इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस करने की एक्सेस, और तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की एक्सेस, और साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं कम होती है, इसलिए जेल में रखना स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से सही होगा। देखिए, उस खेत को बाढ़ से बचाने के लिए बीजेपी का लगातार प्रयास है, लोगों के अंदर जन चेतना अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है कि जिस प्रकार से ये लोग सत्ता में आए और सेवा की जगह इन्होंने भ्रष्टाचार का रुख किया, वो जनता तक संदेश पहुंचाना लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से अनिवार्य है और हम वो काम करें। बाकी जो लोग इस पद पर बैठे हैं और उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, दिल्ली के जो अफसर हैं, विजिलेंस के इंचार्ज हैं, चीफ सेक्रेटरी आदि लोग हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो उन रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं और कार्रवाई की कोर्ट कचहरी के द्वारा मांग भी कर रहे हैं, और साथ ही सीबीआई और ईडी के जो दफ्तर है वो इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो हम कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जन चेतना और जन जागरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में जो भी मुलाकात हुई, राजनीतिक मामला है, मैं उसमें किसी को रोक तो नहीं सकती मिलने से, लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मानना यह था कि एक यूनियन टेरिटरी के अंदर सेंटर के जो अधिकार हैं वो सर्वमान्य होंगे, और कोर्ट ने रीडिंग दी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अगर केंद्र सरकार कोई स्पेसिफिक नियम कानून लाना चाहती है तो वो ले आए, पर एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर यह अधिकार नहीं है, और इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया।
तो केंद्र सरकार ने उस गैप को भरने के लिए ऑर्डिनेंस लाए, और ऑर्डिनेंस की जल्दी नहीं भी होती अगर जो नियम कानून के तहत अफसर जो कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, उनको हटाने या बदलने का काम दिल्ली सरकार द्वारा नहीं किया जाता, तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार इंतजार करती इस पक्ष का। जब पार्लियामेंट शुरू होती तब हम उसमें एक अमेंडेड लॉ लेके आते, लेकिन क्योंकि इन्होंने तुरंत अगले ही दिन इस फैसले के आते ही तुरंत भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे हुए अफसरों के तबादले करने शुरू कर दिए, तो उस जल्दबाजी में जो इन्होंने काम किया उनको देश के हित में, प्रदेश के हित में केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बने, और भ्रष्टाचार में उलझे हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए ये ऑर्डिनेंस और अधिक महत्व का बन जाता है। और ऐसे समय पर जो भी लोग ऑर्डिनेंस के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देंगे वो जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता, देश की जनता की नजर में भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े हुए भ्रष्टाचारी ही दिखाई देंगे। तो मैं जो लोग इसके पक्ष में आएंगे उनको, या जिनसे ये मुलाकात की जा रही है, उनको यही अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आप उसके पक्ष में आइए, इतिहास जो है आपकी भी गवाही दर्ज करेगा और आपके विषय में भी लिखेगा। आपका नजरिया थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अफसरों का काम होता है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। अगर पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आप और मैं करेंगे क्या? आपका काम रिपोर्टिंग है, आप अपना काम रिपोर्टिंग कीजिए, मेरा काम आप तक बात पहुंचाना है, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन जिनका अधिकार है FIR दर्ज करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर, ईडी में कार्रवाई करने का, भ्रष्टाचारी तंत्र को पकड़ने का, वो अपना काम नहीं करेंगे तो वो संविधान और कानून के खिलाफ होंगे। इसलिए उनको अपना काम करना जरूरी है। सियासत सियासतदानों का काम है, जो कि मैं कर रही हूं या आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।